नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसदों की इस बैठक में लखीमपुर खीरी के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 40 सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में टेनी की गैर मौजूदगी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी बीच अहम बैठकों में उनकी दूरी से उनके इस्तीफे के कयासों को और ज्यादा हवा मिल गई है। असल में लखीमपुर में अक्टूबर के महीने में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 किसानों और 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 पत्रकार और 1 ड्राइवर की मौत हुई थी। इसके बाद इस मामले में एसआईटी को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, जिसके बाद काफी पड़ताल के बाद जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा दोषी पाए गए, जिसके बाद से ही अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांगे और तेज हो गई। वहीं विपक्ष भी अजय मिश्रा को लेकर आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आई है, लेकिन लखनऊ में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक विपक्षी दल इस्तीफे की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं यूपी में चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लोकसभा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी और दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी देश के अन्य राज्यों के सांसदों से भी मिल चुके हैं, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होने के कारण ये जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए पीएम मोदी सांसदों से राज्य में बीजेपी के प्रदर्शन पर फीडबैक लेंगे। इस मीटिंग के दौरान अजय मिश्रा उपस्थित नहीं दिखे। हालांकि खबरें ये भी हैं कि उन्हें हर ऑफिशियल मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। हाल ही में अजय मिश्रा ने एक समारोह के दौरान मीडिया कर्मी से बदसलूकी भी की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था और उन्हें लखनऊ से दिल्ली भी बुलाया गया था। विपक्षी भी लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी की हर मीटिंग और हर ऑफिशियल काम से उन्हें दूर कर दिया गया है। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।